पनीर बटर मसाला हम सबको बहुत पसंद है और हमेशा ऑर्डर करते हैं बाहर से। आज हम इसे बनाएंगे घर पे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। पनीर बटर मसाला के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, उसी के साथ लौंग, तेजपत्ता, इलायची, सिनेमन स्टिक्स, स्टार अनीस और ब्लैक पेपरकॉर्न्स। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो जब भी हम पनीर बटर मसाला बाहर खाते हैं आप देखेंगे उसमें अरोमा और फ्लेवर बहुत बढ़िया होता है। इसी के साथ आप इसमें डालें प्याज, लहसुन और अदरक। इसे अब हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक प्याज हमारे सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट हो जाएं। अब पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, काजू और ड्राई रेड चिली। काजू इसमें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देंगे और ड्राई रेड चिलीज कलर बहुत प्यारा देंगी। इस पनीर बटर मसाला में मैं क्रीम भी नहीं डालूंगी, बट आप वीडियो को एंड तक देखें, आप टेक्सचर जो देखेंगे ग्रेवी का वो बहुत मज़ेदार आता है। तो आप देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी मैं पहले इसलिए नहीं डालती क्योंकि मुझे जो हमने खड़े मसाले डाले हैं उनके साथ अपने अनियंस और टमेटोज को कुक करना अच्छा लगता है, उसमें फ्लेवर बेटर आता है। अब इसको मैंने पकाया है 3 से 4 मिनट और आप देखें वेजीज अब सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसको ठंडा करके अब हम मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे। तो इसमें से मैंने तेजपत्ता, स्टार अनीस और सिनेमन स्टिक निकाल दिया है। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी और इसको बिल्कुल फाइन हम पेस्ट में ग्राइंड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज बाज़ार का पनीर बटर मसाला ऐसा ही होता है। तो आप देखिए ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। एक पैन में हम डालेंगे ऑयल और उसी के साथ बटर। जी हाँ, पनीर बटर मसाला है तो बटर तो इसमें जाएगा। अब आप इसमें डालें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये हमने थोड़ी डाली है क्योंकि टमेटोज और अनियंस को भी कुक करते वक्त हमने डाला था। ये इस पॉइंट पे ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। इसी के साथ इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च बहुत अच्छे कलर के लिए। तो आप इन सबको अच्छे से मिलाएं। गैस को अब मैंने कर दिया है बंद और हम अपनी ग्रेवी को छानेंगे। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, एकदम सिल्की स्मूथ टेक्सचर आता है छानने के बाद। तो अगर आप वो रेस्टोरेंट स्टाइल आप चाहते हैं तो ये स्टेप आप ज़रूर करें। अब आप देखें कितने सारे रेशे इसके निकले हैं। आप अगर टेक्सचर देखें इस टाइम बहुत क्रीमी है। अब गैस को मैंने कर दिया है ऑन और इसको हम मीडियम फ्लेम पे सिमर करेंगे, हाई पे नहीं करें क्योंकि इसमें काजू गया है, ये चिपक सकता है। तो अब आप इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएं। आप टेक्सचर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। अब इस पॉइंट पे इसमें बॉइल्स आने लगे हैं। अब आप इसमें डालें नमक, गरम मसाला पाउडर और चीनी। जी हाँ, थोड़ी सी चीनी इसमें जाती है। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। अगर आप टेक्सचर देखेंगे इसका ग्रेवी का बहुत ही मज़ेदार है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर के पीसेस आप बड़े या छोटे डाल सकते हैं। इसको अब आप बहुत जेंटली मिक्स करें। पनीर डालने के बाद मैं इसको पकाऊंगी 4 से 5 मिनट तक और बहुत ज़्यादा मैं नहीं पकाती, वरना पनीर कई बार स्ट्रेची हो जाता है। तो अब ढक के आप इसे पकाएं। आप देखें 4 मिनट बाद इसमें अच्छे बॉइल्स आने लग गए हैं। अब आप इसमें डालें फाइनली बटर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो इसको भी अब आप बहुत जेंटली मिक्स करें क्योंकि पनीर हमारा सॉफ्ट है। अगर आप ग्रेवी देखें तो ये बहुत क्रीमी और मज़ेदार बनी है। हमने क्रीम भी इसमें नहीं डाली, उसके बावजूद ये बहुत अच्छी बनी है। तो इन त्योहारों पे आप ये पनीर बटर मसाला ज़रूर बनाएं अपने लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए और इन्जॉय करें। इसको आप गार्निश करें कसूरी मेथी और हरे धनिए के साथ। पनीर भुर्जी कई बार बहुत ड्राई बन जाती है। आज मैं आपको दूंगी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स ताकि वो हमेशा क्रीमी बने। एक कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद आप इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएं
ताकि इसमें एक अच्छा गोल्डन कलर आए। आप देखें अनियंस हमारे कुक्ड हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट और इसको भी हम एक मिनट तक भुनेंगे। उसी के साथ आप डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो अदरक लहसुन की पेस्ट डालने से बहुत ही मज़ेदार स्वाद आएगा आपकी इस पनीर भुर्जी में। बट अगर आप ये नहीं खाते तो आप स्किप करें। आप डालें थोड़ा सा पानी और एक मिनट तक इसको अच्छे से भुनें। उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे दो टमाटर और नमक। नमक आप टमाटर पकाते वक्त डालें तो टमाटर हमारे जल्दी कुक होते हैं। तो एक मैं आपको टिप दूंगी, पनीर भुर्जी बनाते वक्त हमेशा आप टमाटर और प्याज का मसाला ज़्यादा रखें, उससे जो फ्लेवर है वो पनीर भुर्जी में बहुत बढ़िया आएगा। अब हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक ढक के, ताकि हमारे टमेटो सॉफ्ट हो जाएं। अब आप देखिए टमेटोज हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और उसी के साथ गरम मसाला। अब आप इन सारे मसालों को अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा पानी। दूसरी टिप जो मैं आपको दूंगी, पनीर भुर्जी बनाते वक्त हमेशा जब भी आप अपना मसाला बनाएं वो थोड़ा लिक्विडी हो, वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो। अगर आपका मसाला ड्राई होगा तो आपकी पनीर भुर्जी ड्राई बनेगी। हम चाहते हैं वो सॉफ्ट और क्रीमी बने, तो हमेशा मसाले में थोड़ा पानी आप ऐड करें। अब इस मसाले को हम सिमर होने देंगे 1 से 2 मिनट तक। आप देखें इसमें अच्छे बॉयल्स आ गए हैं। अब आप इसमें डालें क्रश्ड किया हुआ पनीर, ये मैंने हाथ से ही क्रश कर लिया है, और इस सब को अब आप अच्छे से मिलाएं। तो मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा ड्राई लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी और इसको अब हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तीसरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है, पनीर डालने के बाद कभी भी उसको ओवर कुक नहीं करें, वरना वो हार्ड हो जाएगा। तो आप देखें 2 मिनट बाद इसमें हल्के बबल्स आने लगे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इसमें डालें 2 से 3 चम्मच क्रीम या फिर मलाई, और उसी के साथ डालें ढेर सारा हरा धनिया और कसूरी मेथी। जी हाँ, दूसरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है वो आप 2 से 3 चम्मच क्रीम के या घर पे जो मलाई होती है वो आप ज़रूर डालें पनीर भुर्जी में, इसके स्वाद को बहुत ही बढ़ा देगी। तो आपकी पनीर भुर्जी कभी भी ड्राई नहीं बनेगी और बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनेगी। तो आप देखें झटपट से बनके ये बहुत ही मज़ेदार पनीर भुर्जी तैयार है। मैंने और भी बहुत सारी पनीर की रेसिपीज़ बनाई हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उनको ज़रूर चेक करें। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी पसंद की कोई पनीर की रेसिपी बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।